जय हिंद वॉरियर्स, वेलकम टू एम्बाइव अचीवर्स नेटवर्क। आई एम रोहित ठाकुर। एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स वंस अगेन। चलिए भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। जिन्होंने भाई अभी तक एम्बाइव की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइव की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज वॉरियर्स आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही वॉरियर्स आप जो है हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट एंड बुक्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है लाइव आ जाइए। एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में सबके सब कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सबसे पहले करते हैं कल वाली जो क्लास है उसका रिविजन। तो रिविजन के जो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन है, Which of the following navies did not participate in 27th edition of multilateral naval exercise, जिसका नाम है मालाबार 2023, that concluded recently in Sydney, Australia? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका वॉरियर्स। वेरी हाई चांसेस आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो मालाबार 2023 एक्सरसाइज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी बताइए, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है वॉरियर्स। इस मालाबार एक्सरसाइज के अंदर जो है ऑस्ट्रेलियन नेवी पार्टिसिपेट करती है, जापान नेवी पार्टिसिपेट करती है, यूएसए पार्टिसिपेट करता है और भारत पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश नेवी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन सेल फ्यूल सेल बस जो है रिसेंटली स्टार्ट करी गई है, वो आपको बताना है कहां स्टार्ट करी गई है। लेह लद्दाख, कश्मीर, दिल्ली या फिर पंजाब? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका वॉरियर्स। हां जी बिल्कुल सही आंसर है, लेह लद्दाख में जो है ये स्टार्ट किया है एनटीपीसी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उससे पहले अचीवर सीरीज, जितने भी लोग भाई सीडीएस 2 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सीरीज स्टार्ट है अचीवर सीरीज। एम्बाइब की एप्लीकेशन में आप लोग इसको डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में पराक्रम सीरीज है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसको हमने बोला है भारत एन कैप इन दिल्ली। 1 अक्टूबर 2023 से जो है हर गाड़ी के लिए मैंडेटरी हो जाएगा इसको पास करना। अमित शाह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी या फिर भूपेंद्र यादव? किसने जो है बिल्कुल सही आंसर है, नितिन गडकरी जी जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, हु हैज रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट एंड सेकेंड इंडियन प्लेयर आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू रीच फिडे चेस वर्ल्ड कप फाइनल, जो कि ड्रॉ हुआ है, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बिल्कुल सही आंसर है सबका, रमेश आर प्रगनंदा जी जो है ये पहुंचे हैं, इन्होंने जो है फाइनल को बेसिकली ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज रिसेंटली डिफाइंड अ क्लियर ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू द डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ग्रीन हाइड्रोजन शुड हैव वेल टू गेट एमिशन ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg हाइड्रोजन। कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है सही है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। हां जी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है वॉरियर्स, दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल जो है आपको बताना है किसको अपॉइंट किया गया है। हां जी बिल्कुल सही आंसर है, विश्वंबर प्रसाद श्रेष्ठ जो है इनको अपॉइंट किया गया है, एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर।
चलिए भाई वॉरियर्स, अब आती है भाई आज की न्यूज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले लाइक और शेयर सेशन कर दीजिए, और जहां जहां मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया बिकम्स फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड स्पेस क्राफ्ट ऑन द मून, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत जो है चौथा देश बन चुका है रशिया, यूएसए, चाइना के बाद। सोवियत यूनियन के दौरान जो है रशिया ने ये कारनामा किया था, अब जो है भारत चौथा देश बन चुका है जिसने सक्सेसफुली जो है बेसिकली साउथ पोल में, या फिर जमीन की बात करी जाए तो मून पे जो है एक स्पेसक्राफ्ट जो है लैंड किया है। और खास बात यह है कि साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला जो है भारत विश्व का पहला देश बन चुका है जिसने सक्सेसफुली जो है सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल में करवाई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रशिया ने जो है अपना लूना स्पेसक्राफ्ट जो है लॉन्च किया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसका भी जो है डिसाइड था कि वो जो है 23 अगस्त को ही वहां पे लैंड करेगा, बट वो फेल हो चुका था। और जो है हमारा चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो कर चुका है मून के साउथ पोल में। तो ये न्यूज सबको मालूम होगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सबको। इंडिया हैज बिकम द फोर्थ कंट्री आफ्टर रशिया, यूएसए, चाइना टू लैंड ऑन द मून, एंड ऑल्सो द फर्स्ट टू लैंड ऑन द मून साउथ पोल। द न्यू हिस्टोरिक फीट हैज सीमेंटेड इंडियाज स्टेटस एज ग्लोबल सुपर पावर इन स्पेस। द लैंडर विक्रम टच डाउन ऑन द साउथ पोल ऑफ मून, a region that has never been explored before. The rover Pragyan is expected to roll out the lander and begin its exploration of the lunar surface in the coming days. The Chandrayaan 3 mission is expected to collect valuable data about the lunar south pole, which is thought to be rich in water ice. ये आपको ध्यान रखना है किस चीज के लिए इसको भेजा गया है, वो आपको मालूम होना चाहिए, because वो जो south pole वाला region है moon का, वो unexplored है और वो जाना जाता है वाटर आइस के लिए। तो उसको जो है बेसिकली वो खोजेगा वहां पे, और अगर इसकी चीजें मिलती है तो बहुत ज्यादा जो है इससे हेल्प मिलेगी, फ्यूल भी जो है बेसिकली फ्यूल जैसी चीजों के लिए भी उससे हेल्प मिलेगी इन कमिंग फ्यूचर। ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रयान 3 मिशन इज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट वैल्यूएबल डेटा फ्रॉम द लूनर साउथ पोल व्हिच इज थॉट टू बी रिच इन वाटर आइस। द इंफॉर्मेशन कुड यूज्ड and support future human exploration mission on the moon. The mission is also expected to help scientists to better understand the formation and evolution of the moon. ये आपको जो है ध्यान में रखना है, इसका मेन मकसद क्या है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जापान टू रिलीज फुकुशिमा वाटर इंटू ओशन फ्रॉम टूडे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जापान जो है अब रिलीज करेगा ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर फ्रॉम सुनामी हिट फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट इनटू द पैसिफिक ओशन फ्रॉम टुडे डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम इट्स नेबर्स। तो बेसिकली क्या है, सही नहीं है रेडियो एक्टिव वाटर को जो है पैसिफिक ओशन में डालना, उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा हार्म जो है मरीन स्पीशीज को जो है पहुंचेगा उससे। उनके नेबर्स ने इसके अगेंस्ट किया था, बट स्टिल दे आर रिलीजिंग दी रेडियो एक्टिव वाटर इंटू द पैसिफिक ओशन। तो आपको ध्यान रखना है, फुकुशिमा जो उनका बेसिकली एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां से जो है रेडियो एक्टिव जो सुनामी हिट रेडियो एक्टिव एरिया है उसको बेसिकली रेडियो एक्टिव वाटर जो है उसको वो पैसिफिक ओशन में रिलीज करेंगे। द डिसीजन कम्स वीक आफ्टर द यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग अप्रूव द प्लान। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पूरी, अबाउट 1.34 मिलियन टन्स ऑफ ट्रीटेड रेडियो एक्टिव वाटर फ्रॉम 2011 अर्थक्वेक एंड सुनामी हिट फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट इज टू बी रिलीज्ड इनटू द पैसिफिक ओशन आफ्टर 12 इयर्स। एज पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी डिस्चार्ज ऑफ ट्रीटेड वाटर वुड हैव नेग्लिजिबल रेडियोएक्टिव इंपैक्ट टू पीपल एंड द एनवायरनमेंट। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेटर हैज बीन डेजिग्नेटेड टू एग्जीक्यूट द प्लान। अब फुकुशिमा की बात करी जाए तो ये आपको ध्यान रखना है, ईस्ट कोस्ट में मौजूद है, 220 किलोमीटर जो है नॉर्थ ईस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कैपिटल टोक्यो से जो है ये दूर है। जापान क्लेम्स टू हैव यूज्ड एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम टू ट्रीट द वाटर सोर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा इतना हार्म नहीं होगा, उसको ट्रीट जो अच्छे से कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स अगली न्यूज की तरफ, लास्ट सर्वाइवर ऑफ द एमेजॉन रेन फॉरेस्ट ट्राइब पिरिपकुरा फाउंड इन ब्राजील। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वॉरियर्स, सीडीएस सीएपीएफ यूपीएससी सीएससी में जो है ये आपसे पूछी जा सकती है, ऑब्जर्वेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल कैटेगरी की न्यूज है, सबके सब ध्यान देंगे। लास्ट सर्वाइवर जो है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के जिन ट्राइब का नाम था पिरिपकुरा,
वो कहां मिले हैं? ब्राजील में मिले हैं। थ्री रिमेनिंग सर्वाइवर्स ऑफ एमेजॉन रेन फॉरेस्ट ट्राइब पिरेपकुरा फाउंड इन ब्राजील। पिरेपकुरा ट्राइब कम्स आउट ऑफ फ्रॉम द मैटो ग्रेसो रीजन ऑफ ब्राजील एंड लीड्स अ नोमैडिक लाइफस्टाइल रिनाउंड फॉर देयर रिक्लूसिवनेस। दे स्ट्राइव टू प्रिजर्व देयर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है पूरी। द टेरिटरी फेसेस थ्रेट्स एंड डिफॉरेस्टेशन एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। अब भाई देखो, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है लास्ट सर्वाइवर जो एमेजॉन रेन फॉरेस्ट ट्राइब से मिले हैं, उस ट्राइब का नाम क्या है? तो पिरेपकुरा जो है उसका नाम है। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। कहां मिले हैं? ये ब्राजील में मिले हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव अपॉइंटेड एज एनजीटी, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चेयरपर्सन। ये आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आफ्टर द फॉर्मर चेयरपर्सन जस्टिस ए के गोयल रिटायर्ड। आफ्टर द फॉर्मर चेयरपर्सन ए के गोयल रिटायर्ड इन जुलाई, जस्टिस शिव कुमार सिंह वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरमैन। जस्टिस श्रीवास्तव एनरोल एज द एडवोकेट ऑन February 2, 1987 में जो है वो बेसिकली एनरोल हुए थे। ही प्रैक्टिस्ड टैक्स सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल साइट्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली। ही वॉज अपॉइंटेड लेटर अपॉइंटेड एज द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन January 18, 2008 एंड बिकेम परमानेंट जज ऑफ January 15, 2010। ये पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको बस ध्यान में ये रखना है। अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज है तो पूछी जा सकती है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी को जो है अब एनजीटी दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो है चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे भाई, अगली न्यूज आ जाती है स्पोर्ट्स कैटेगरी रिलेटेड, ध्यान रखना है सबको। खेलो इंडिया वुमेन लीग्स लीग टू बी नोन एज अस्मिता वुमेन लीग। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैज रिसेंटली कंफर्म्ड दैट द एस्टीम्ड खेलो इंडिया वुमेन लीग जो है विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अस्मिता वुमेन लीग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। द न्यू नेम, ये आपको ध्यान रखना है, न्यू नेम अस्मिता वुमेन्स लीग कैरीज अ प्रोफाउंड मीनिंग, दैट इज अस्मिता स्टैंड्स फॉर अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। भाई देखो वॉरियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है। नेशनल स्कीम्स जो है स्पोर्ट्स के जो आती है उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो आपको ध्यान रखना है, खेलो इंडिया वुमेन लीग हुआ करती थी जिससे वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ती है, वुमेन को इंस्पायर किया जाता है स्पोर्ट्स में खेलने के लिए, उसको जो है रीनेम कर दिया गया है अस्मिता। अस्मिता की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है वॉरियर्स, आपके सामने है। अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन एनकैप्सुलेटिंग द स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस डिटर्मिनेशन एंड अचीवमेंट दैट डिफाइंस वुमेन एथलीट अक्रॉस द नेशन। द अस्मिता पोर्टल सर्व्स एज द कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स ऑफरिंग वैल्यूएबल साइट्स, ये आपको ध्यान में रखना है, इन टू अपकमिंग लीग्स अमंग अदर फीचर्स। ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नाम क्या कर दिया गया है? अस्मिता। इट विल एनेबल स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट द अस्मिता वुमेन्स लीग एंड बी पार्ट ऑफ खेलो इंडिया मार्च टूवर्ड्स द स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। तो इसका नाम जो है अस्मिता रख दिया गया है। अगेन अ रिमाइंडर वॉरियर्स, जिन्होंने भाई अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं करा है, रेगुलर क्विजेस के लिए, रेगुलर पीडीएफ के लिए, रेगुलर क्लासेस के लिंक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एम्बाइब डिफेंस, एम्बाइब बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, एम्बाइब एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे लिंक्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगली न्यूज अगेन इंपॉर्टेंट है। ईरान अनवील्स अटैक ड्रोन जिसका नाम है मोहाजेर 10, केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग इजराइल। भाई ये आपको ध्यान में रखना है। ईरान ने जो है रिसेंटली अनवील किया है एक नया ड्रोन जो कि इजराइल को कैपेबिलिटी रखता है स्ट्राइक करने की, ठीक है। तो इसका नाम भी आपको जो है ध्यान रखना है, मोहाजेर 10 जो है इसका नाम है। वैसे इंडियन इंपॉर्टेंस की इतनी न्यूज नहीं है, बट इंटरनेशनल डिफेंस की न्यूज है तो आपको बस मालूम होनी चाहिए। ईरान हैज रिसेंटली अनवील्ड अ न्यू ड्रोन दैट सेज इट इज केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग इजराइल। द ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री एंड आर्म फोर्सेज लॉजिस्टिक अनवील्ड द मोहाजेर 10 रिसेंटली एज पार्ट ऑफ एग्जीबिशन एंड सेरेमनीज मार्किंग डिफेंस इंडस्ट्री डे। मोहाजेर 10 ड्रोन बूस्ट सेवरल एनहांसमेंट इंक्लूडिंग द एबिलिटी
to fly altitude up to 7000 meters for 24 hours. भाई आपको ध्यान रखना है, ये 7000 meters तक जो है altitude गेन कर सकता है, 24 घंटे तक जो है बेसिकली ये फ्लाई कर सकता है. डिस्टेंस जो ये 2000 किलोमीटर का कवर कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इट कैन कैरी अ पेलोड ऑफ 300 किलोग्राम्स, हैज अ स्पीड ऑफ 210 किलोमीटर पर आवर एंड इज इक्विप्ड विद एडवांस इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटेलिजेंस सिस्टम. Mohajer 10 is upgraded version of Mohajer 6 drone. It offers long flight duration, higher payload capacity, improved operational altitude. ये देखो भाई क्या है, important information है about Mohajer 10. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. ईरान ने अनवील किया है, किसके ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है, इसराइल के ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है. उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 24 घंटे तक 2000 किलोमीटर ये तय कर सकता है, 7000 मीटर की हाइट तक जो है ये ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर सकता है, 300 किलोग्राम का पे लोड भी कैरी कर सकता है, मतलब गोला बारूद 300 किलोग्राम का जो है किसी भी कंट्री के ऊपर ये फेंक सकता है, ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं. LCA Tejas successfully test fires indigenously Astra missile. ये भाई आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंडियन डिफेंस का ये न्यूज बनती है आपके एग्जाम में. ठीक है, किसने जो है इसको टेस्ट फायर किया है ये पूछा जा सकता है. लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA की फुल फॉर्म होती है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है तेजस. HAL ने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने जो है उसको डेवलप किया है, उसने जो है इंडिजिनसली बिल्ट अस्त्र मिसाइल को रिसेंटली क्या किया है, टेस्ट फायर किया है. The missile release was successfully carried out from the aircraft at an altitude of around 20,000 feet. According to the official, all objectives of test were met and it was perfect textbook launch. The test launch was monitored by test director and scientist of Aeronautical and Development Agency, Defense Research Development Organization, HAL, along with officials from Center of Military Airworthiness and Certification and Director जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस. ये पूरी देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, LCA तेजस ने जो है 20,000 फीट की ऊंचाई पे जो है अस्त्र मिसाइल को टेस्ट फायर किया है. दैट इज इट, LCA की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, तेजस किसने डेवलप किया है ये आपको मालूम होना चाहिए. क्लियर है, चलिए वेरी गुड. कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं वॉरियर्स. जैसे LCA के बारे में मैंने आपको बताया, 4.5 जनरेशन ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये आपको ध्यान रखना है, इसको HAL ने जो है डेवलप किया है इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन नेवी के लिए. अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल हैज बीन इंडिजिनसली एंड डेवलप्ड बाय डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय DRDO. ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है भाई अस्त्र मिसाइल को किसने डेवलप किया है, तो आपको ध्यान रखना है DRDO ने जो है इसको डेवलप किया है. उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है इसकी 110 किलोमीटर तक की जो है रेंज है, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है. It is being manufactured by the public sector company Bharat Dynamics Limited. ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है, Bharat Dynamics Limited ने जो है इसको मैन्युफैक्चर किया है. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. अब आता है भाई सबका फेवरेट टाइम, वो है क्लास का रिविजन. क्लास का रिविजन करेंगे वॉरियर्स. भाई उससे पहले लाइक और शेयर सेशन एक बार दोबारा से हो जाए भाई, जल्दी जल्दी. पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान, आंखें बंद करके आप टिक लगा सकते हैं इसका. चंद्रयान 3 हैज रिसेंटली लैंडेड सक्सेसफुली इन विच पार्ट ऑफ द मून. जल्दी 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 कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश. कौन से पार्ट में जो है ये लैंड किया है? भारत जो है पहला देश बन गया है और इसने लैंड किया है साउथ पोल में. बिल्कुल सही है, शाबाश. आगे बढ़ते हैं. Which of the following country has recently announced to release treated radioactive water from tsunami hit nuclear power plant Pacific Ocean में जो है उसने फैसला किया है इसको जो है रिलीज किया जाएगा. जल्दी जल्दी बताइए भाई, शाबाश. ताइवान, जापान, चाइना या फिर इंडिया? बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी. हां जी, बिल्कुल सही है, जापान ने फैसला किया है. बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का, शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ट्राइब ऑफ विच लास्ट सर्वाइवर फाउंड रिसेंटली इन द अमेज़न फॉरेस्ट. ब्राजील में ये फाउंड हुए हैं, कौन से ट्राइब है? जल्दी जल्दी बताना है आपको, शुआर, यानो, ममी, नुकक या फिर
पिरिपकुरा। चलिए भाई शाबाश। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, पिरिपकुरा जो है आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। प्रकाश श्रीवास्तव, संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, सरस वेंकटरया वेंकट नारायणा भट्टी। चलिए भाई बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ज्यादा आसान है, प्रकाश श्रीवास्तव जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगेन अ रिमाइंडर वॉरियर्स, इम्बाइब लेंस, जिस जिसने इसको इस्तेमाल किया उसको पता होगा बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इम्बाइब के लेंस से आप हर चीज को जो है बहुत ही डिटेल में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। हाँ जी, द नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन लीग नेम हैज रिसेंटली चेंज, विद विच नेम दिस लीग विल बी रिकॉग्नाइज्ड नाउ। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सही है, अस्मिता वुमेन्स लीग जो है इसका नाम रखा गया है, शाबाश। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनवील्ड मोहजर 10 ड्रोन। चलिए भाई आसान क्वेश्चन, और किसके ऊपर वार करने की कैपेबिलिटी रखती है, रखता है ये ड्रोन, 2000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है 24 घंटे में, 7000 मीटर की हाइट में रह के 300 केजी तक पेलोड ये ले सकता है। इसको इंट्रोड्यूस बेसिकली अनवील किया है ईरान ने और बोला है कि भाई इसराइल के ऊपर हम हमला कर सकते हैं इससे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा आसान, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलसीए तेजस सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडिजिनस अस्त्र मिसाइल सिस्टम। नंबर 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स वॉज द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू इंडक्ट एलसीए तेजस, अस्त्र इज एयर टू सर्फेस मिसाइल। कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है सही है, बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ आपको बता दूं एक स्टेटमेंट इसमें गलत है और वो गलत है, वो है आपकी तीसरी, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका ओनली 1 और 2 जो है, आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। बेसिकली जो अस्त्र है वो क्या है आपकी, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। चलिए भाई वॉरियर्स, तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो भाई सीडीएस की तैयारी करने वालों, बैचेस आप लोगों के लिए स्टार्ट है, अचीवर सीरीज इंबाइब के ऐप पे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, यूट्यूब पे आप पराक्रम सीरीज लगा सकते हैं, उसके अलावा वॉरियर्स इंबाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए, हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे मौजूद है, टेलीग्राम चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंबाइब डिफेंस, इंबाइब बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम, इंबाइब एसएससी एंड रेलवे एग्जाम, क्लासेस की पीडीएफ, क्लासेस के लिंक्स, क्लासेस रिलेटेड क्विजेस के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, कोई भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास जरूर लगाइए, और जहां जहां मैंने आपको बोला है इंपॉर्टेंट है उसको प्लीज अपने नोट्स में जो है आप जरूर रखिए, एंड डू सब्सक्राइब टू दी चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती है। वॉरियर्स टिल द टाइम कीप इंबाइबिंग बिकॉज इंबाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन, कीप इंबाइबिंग, वी बिलीव इन यू।